हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम आपको बताते हैं कम खर्चे में बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी मिठाई बनाने की रेसिपी। और जो रेसिपी है वो है पार्ले जी बिस्किट से चोको पेड़ा बनाने की रेसिपी, जिसे कि हम सिर्फ 10 रुपए के पार्ले जी बिस्कुट से बनाकर रेडी करेंगे। और इसमें एक ख़ास बात यह भी है कि इसे हम बिना गैस जलाए ही बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। वेलकम टू किचन विद प्रजय, गुड फूड बेटर हेल्थ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी अगली रेसिपी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लें। पार्ले जी बिस्किट से पेड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 पैकेट पार्ले जी बिस्किट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 रुपए वाले 2 पार्ले जी बिस्किट ले लिए हैं। इस बिस्किट को हम एक बाउल में डाल लेते हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़े में रफली तोड़ लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब हमें इसको पाउडर जैसे बनाना है, तो इसके लिए हम एक मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। और ये ध्यान रखें कि इसमें हम छोटे छोटे पीस ही लें, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो सके। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे पाउडर की तरह ग्राइंड कर लिया है और ये एक बारीक चूरे की तरह बन चुका है। बिस्किट को ग्राइंड करते समय ये ध्यान रखें कि उसे रुक रुक कर ग्राइंड करें। लगातार ग्राइंड करने से पाउडर जार के अंदर हल्का हल्का चिपकने लगता है। आप चाहें तो इसे छान कर भी ले सकते हैं। इसके बाद पेड़े को और टेस्टी बनाने के लिए हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून चीनी पाउडर मिला लेते हैं। वैसे तो पार्ले जी बिस्किट मीठा होता है, तो आप इसमें ज़रूरत के अनुसार चीनी पाउडर मिला लें। और 1 टेबल स्पून इसमें हम घी मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमने चीनी पाउडर और घी को इस मिक्सचर में डाल लिया है। अब हम इसे धीरे धीरे करके हथेलियों की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो इस तरह से चीनी पाउडर और घी को हमने मिक्सचर में अच्छी तरह से मिला लिया है। इसमें हमें किसी न किसी फ्लेवर को मिलाना अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम इसमें किसी भी फ्लेवर को ऐड नहीं करते हैं तो इस पेड़े का टेस्ट जो है वो बिल्कुल पार्ले जी बिस्किट की तरह ही लगेगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने हथेलियों की सहायता से इसे बहुत अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है। और हमारे पास यहाँ पर मिलाने के लिए कोकोआ पाउडर है, जिसे हम इसमें मिला लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें 2 चम्मच कोकोआ पाउडर मिला लेते हैं और इसे धीरे धीरे करके मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास कोकोआ पाउडर नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से कोकोआ पाउडर डालने से मिक्सचर का कलर बिल्कुल चॉकलेटी हो चुका है। पेड़ा बनाने के लिए मिक्सचर को बाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, अभी ये बाइंड नहीं हो पा रहा है। अब हम इसे बाइंड करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तो इसके लिए हम आधा कप दूध ले लेते हैं। इस आधे कप दूध को पूरी तरह से यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितने में पेड़े बनाने के लिए बाइंडिंग हो जाए हमें सिर्फ उतना ही दूध यूज़ करना है। तो इसके लिए हम एक एक चम्मच करके इसमें थोड़ा थोड़ा दूध लेते हैं। तो ये देखिए, हमें जितने दूध की आवश्यकता थी हमने उतना ले लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बाइंडिंग करने के लिए इसमें ना तो ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा दूध यूज़ करें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध ही यूज़ करें। अब इसमें अच्छे टेस्ट लाने के लिए 2 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर मिला लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने 2 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर ऐड कर लिया है, जो कि इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देगा। अब इसमें जो हमने कोकोनट पाउडर को ऐड किया है उसे हम अपने हथेली की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। और हमने यहाँ पर कोकोआ पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट जो है हमने इसमें डाल लिया है, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल चॉकलेट पेड़ा की तरह ही आएगा। अब हम इसे अच्छी तरीके से गूंथ लेते हैं और इसका डो रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके हमने इसे अच्छे तरह से गूंथ लिया है। और ये जो हमने मिक्सर लिया था, अब देखिए ये बाइंडिंग होने लगा है। तो इस तरह से हम इसे हाथ में लेकर चेक कर लेते हैं कि ये बाइंडिंग के लिए रेडी हो गया है कि नहीं। और इसे बहुत ही अच्छे तरह से बाइंडिंग हो रहा है और ये देख सकते हैं कि अब ये डो भी पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। और इसमें हमने जो कोकोनट पाउडर मिलाया था वो आपको इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो चलिए अब हम इससे पेड़े बनाने शुरू करते हैं। इसके लिए हम हाथों को अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि मिक्सचर जो है हाथों में चिपके नहीं।
और अब छोटा छोटा सा टुकड़ा लेकर उसका हम बॉल सा बना लेते हैं और इसे हम हल्का सा दबाकर इसे पेड़े का शेप दे देते हैं। इसे हम इस तरह से पेड़े का शेप देखकर एक एक करके पेड़ा बनाकर इसे हम प्लेट में रखते जाते हैं और इसमें हम हल्का डेकोरेशन करने के लिए काजू के टुकड़े ले लेते हैं। और हमने यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए सिर्फ 2 काजू का यूज़ किया है। 2 काजू के टुकड़े से ही हमने इसे पूरी तरह से डेकोरेट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें चोको चिप्स या बादाम या काजू या किशमिश यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक एक करके काजू के टुकड़े को पेड़े के बीच में धीरे धीरे करके प्रेस करके रखते जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने धीरे धीरे करके छोटे छोटे काजू के टुकड़े को प्रेस करके हम रख रहे हैं और इस तरह से लाजवाब चोको पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हम इसे घर में ही, चाहे रक्षाबंधन हो या दिवाली हो, इसे घर में ही बनाकर आसानी से रेडी कर सकते हैं। और ये चोको फ्लेवर्ड पेड़ा सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसका टेस्ट नॉर्मल पेड़ा से काफ़ी अच्छा होता है। तो क्यों ना आप भी हमारे द्वारा बताए गए बातों को ध्यान में रखते हुए इस आसान सी कम खर्चे में बनने वाली रेसिपी को अपने घर में बनाकर ट्राई करें। और जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं या ट्राई करें तो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये चोको पेड़ा बनाने की आसान सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल किचन विद प्रिजय को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी रेसिपी के बारे में जानकारी मिलते रहे, जिससे कि आगे भी आप हमें अपना सजेशंस देते रहें। और हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ये भी बताएं कि हमारी अगली रेसिपी क्या होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। Thanks for watching.